Suri, very good. 92%. Shankar Prakash, 95%. Umesh Bharav, excellent. 97%. Aur ab finally hum sunenge student of the year ke marks. Jo do numbers se fail hai. Srinath Prasad. जब भी रिजल्ट का वक्त आता है शीनू बाथरूम चला जाता है। लेकिन सर, भाई कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, पर मैं कहता हूँ कि मुझ पर एक एहसान करना, प्लीज मेरे 2 मार्क्स बढ़ा दो सर। एहसान तो मुझ पर शंकर और लॉय ने किया है, मेरा नाम रोशन करके। शंकर अब IPS ज्वाइन करने वाला है, लॉय अब IAS ज्वाइन करने वाला है। थैंक यू सर। और रोशन IIM जा रहा है। सर मैं IPL जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यही मेरे साथ इसी क्लास में रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम और कतरीना की हिंदी ऐसी है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। सर आजकल उसकी हिंदी अच्छी हो गई है। गेट आउट ऑफ माई क्लास। क्या सर? आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर वो पेपर मेरा है सर, फेल करते हो भूल जाते हो, आगे पढ़ाइए। त्रिपाठी जी, बेटी की शादी के लिए इससे शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता जी। देखना इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट साइड में आइए। एक्सक्यूज मी साइड में। कम 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 कम। ये कान में खुसर पुसर क्या कर रहा है? लोगों से छुपाने वाली बात है क्या ये? शीनू मेरी बेटी को लेके भाग गया। Don't take it personally, हाँ? लेकिन तेरा बाप त्रिपाठी कभी सुधरेगा नहीं। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ना उसने मेरे फ्यूचर की नहीं तेरे फ्यूचर की भी बचा दी। अरे पप्पा, जैसे आप चाहते थे मैं त्रिपाठी की बेटी को उठा के ले आया, अब तो वो मुझे पास कर देगा ना। अरे नमस्ते करना। अरे मैंने कब कहा त्रिपाठी की बेटी को उठा? सीनू तेरी बदमाशी मुझे अपना पार्टनर में बना तू। अरे आप तो जानते हो कि लाइफ में मैं सिर्फ 3 चीजों का फैन हूँ। क्या? टीवी पे अमित जी का करोड़पति, टेनिस में महेश भूपति, भगवानों में मेरे प्यारे गणपति। थैंक यू।
लोग मुझे मस्का मारते हैं, तू मुझे चूना लगा रहा है। क्या बप्पा भाई, बप्पा क्या चुलेगा? ओके भाई, सी यू, टेक केयर। हाय, किसी भी भगवान को तुझ जैसा निकम्मा भक्त ना मिलेगा। त्रिपाठी सर, बस मेरे 2 मार्क्स बढ़ा दीजिए। जैसे पप्पू पास हुआ, समझो ये पप्पा के पास हुई। त्रिपाठी सर, प्रसाद, प्रसाद तेरा बेटा मेरी बेटी को मतलब से भगा के ले आया है। अच्छा, वेरी गुड। मेरी बेटी। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या खा के पैदा किया था इसको? तुमने तो खिलाया था वही। सीनू, दरवाजा खोल। मेरा बच्चा, हाय, दरवाजा खोल। मेरा बच्चा इतने प्यार से नहीं खोलेगा, लो पकड़ो। सीनू, दरवाजा खोल बेटा, वरना मैं तुझे अपनी वसीयत से निकाल दूंगा। पापा, मैं डर गया, पापा मैं डर गया। अरे बेटी! अरे रुक 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 रुक, अरे रुक। चश्मा मेरा, मेरा चश्मा है। तेरी बेटी। सॉरी 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 मेरे बेटा। सर, कम। ये लोगों से छुपाने वाली बात है जो दुकान में बता रहा है। अरे लड़के वाले भाग गए, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? सीनू को बोलो शादी करेगा। सीनू, तू कर ले शादी। नहीं। अरे एक दिन तुझे करनी थी ना। नहीं। और देख, प्रोफेसर की बेटी है, तुझे ना अगले साल पास भी कर देगा। हाँ, हाँ, ले जाओ भाई इसे, ले जाओ। चा, चा, चा। पापा, इतनी मोटी है ये कि अगर वेइंग स्केल पे खड़ी हो गई ना तो वजन के बदले टू बी कंटिन्यूड आएगा। श्रीनाथ प्रसाद, तेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस दफर के साथ शादी करूं। पापा, चल मेरे बच्चे, खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। It's not fair, मम्मा। मैंने एग्जाम्स इतनी अच्छी तरह लिखे थे, 2-2 लाइन के क्वेश्चन के लिए 3-3 पेज के आंसर्स लिखे थे मैंने, फिर भी उस त्रिपाठी ने मुझे फेल कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे आंसर्स तो सही होंगे, लेकिन उनके क्वेश्चन ही गलत होंगे। हाँ। मुझे वो रोटी दे दो ना मां। अरे जानती हूँ, वर्मा का बेटा पढ़ाई पूरी करने के लिए बैंगलोर चला गया। हा? और वो मल्होत्रा और शिंदे के बेटे उन्हें छोड़ के पूना चले गए। बेचारे, हम कितने खुश नसीब है, हमारा बेटा हमें छोड़ के कहीं नहीं जाता। वो परसों अपना नौकर भी काम छोड़ के चला गया डिग्री कम्प्लीट करने के लिए। ले बेटा, कल सुबह से दुकान पे आ जाना। मैं दुकान पे नहीं आऊंगा, मैं बैंगलोर जाऊंगा और बैंगलोर जाके डिग्री लेके आऊंगा। डिग्री? डिग्री? बेंगलुरु उधर नहीं है बेटे, इधर है। अभी तो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ये हमें डिग्री नहीं, 3rd degree दिलवाएगा। मम्मा, वाह, मेरी पॉपुलैरिटी देखी, पूरा शहर मुझे गुड बाय करने आया है। बेटा, गुड बाय एक हाथ से किया जाता है, जरा गौर से देख उन्हें। दोनों हाथ हिला रहे हैं, मतलब लौट के मत आना भैया। बाय कहने में कितना गुड फील हो रहा है उनको। अब जा रहा है तो कुछ करके ही लौटियो, चल। खाने का ध्यान रखना। हाँ, आ गया। हाय 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 गर्ल्स, ये सीट मेरी। हेलो, ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, जाओ जाके अपनी सीट पर बैठो। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। अंकल, बोल नहीं दिख रहा। ऐसे लफंगों के लिए IPS ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। हाँ। इनका एनकाउंटर करके भारत माँ और उनकी बेटियों की हिफाजत करूंगा मैं। एक्सक्यूज मी, जो हम बैठते हैं ना वो सीट हमारी हो जाती। हाँ, है पर... तो तुम कहीं और जाके बैठो। यू टर्न गो। मैं तुम लोगों का फोन में टच स्क्रीन हूँ क्या कि बार बार मुझे टच किए जा रही हो? सॉरी। कम ऑन गर्ल्स, हमारे साथ भी अंताक्षरी खेलो ना।
लेकिन गाने से पहले पीना जरूरी है। अच्छा खासा रणबीर कपूर मिल रहा था, लेकिन इनकी किस्मत में तो शक्ति कपूर ही लिखा है। आओ बेबी पियो ना। मेरा एनकाउंटर करके तो भारत माँ की बेटियों की हिफाजत करने वाला था ना, अब देख गुंडे छेड़ रहे हैं लड़कियों को। जा ना, रुका क्यों है? ए हीरो, अरे तेरे डायलॉग मारने तक की तुझे मारने के लिए रुका था मैं। अच्छा जरा जैकेट पकड़ो। ए इसे बता मेरे बारे में। तुझे पता है बाबू कौन है? बाबू का बाप कौन है? बाबू का भाई? तेरे बाबू को इतना मारूंगा ना कि आज के बाद वो ना बाबा पैदा कर पाएगा ना बेबी। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। चलेगा यार, वैसे भी मुझे सस्ती चीजें पसंद है। आउट। चल 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 निकल यहाँ से। आओ निकल। अच्छा अच्छा वो मेरी सीट तो मुझे वापस दे दो। यार मैं मेरा जैकेट लेके आता हूँ। ओके चाचा। सीनू मेरे भाई, तेरे सामने तो डेनिस भी मेनेस नहीं लगता। आई रिमेम्बर शनिवार का वो दिन था जब तू शनि बनकर मेरी लाइफ में आया था। तुझसे बचने के लिए मैं ऊटी से बैंगलोर आ गया। मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर भिखारी आए, मेरे बदन में बीमारी आए, पर तू कभी ना आए। लगता है भिखारी आ गया। बड़ी, 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 बड़ी। मुझे देखे खुश नहीं है क्या? अरे यार मैं बहुत खुश हूँ यार, अभी तेरे बारे में ही सोच रहा था, I swear। चलो वेरी गुड, मैंने तेरे ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। और तुझे पता है गुड न्यूज़ क्या है? कि मैं तेरे ही साथ तेरे घर में तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन मेरे भाई तू एक दो दिन के लिए रहेगा ना? पागल हो गया क्या? एक दो दिन? मैं तो यार डिग्री लेने आया हूँ, जब तक मैं पास नहीं हो जाऊँ मैं घर नहीं जा सकता। मतलब तू कभी नहीं जाएगा? फिलहाल तो ना मैं नहाने जाऊंगा, चिकनी चमेली शॉर्ट। बाथरूम इधर है, स्ट्रेट एंड राइट। I hope it's clean, boy. Yeah. Oh, yaar. आज से बच्चा बच्चा कहेगा मम्मी मम्मी मुझे उस कॉलेज में पढ़ना है जहाँ सीनू पढ़ता है। चल। हाय राधा, इसने देख लिया मुझे। अरे किशन भगवान, अब यहाँ भी मेरी याद में मेरे पीछे पीछे आप बैंगलोर भी आ गए। अबे मैं भगवान हूँ, पवाई से लेके हवाई हर जगह में उड़ता फिरता हूँ। आप तो जानते हो मैं सिर्फ तीन गानों का फैन हूँ। कौन से? राज कपूर जी का रमैया वस्ता भैया, बोपीदा का ताथैया ताथैया। अच्छा। और बड़ा नट खट है मेरे किशन कन्हैया। अबे तू भूल गया, ओरिजिनल माखन चोर मैं हूँ, मुझे मस्का मत लगा। भगवान मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि इस बार मैं मन लगा के पढ़ूंगा। Good. और मुझे एटलीस्ट 90% 90? अच्छा अच्छा, मुझे एटलीस्ट पास मार्क्स तो दिला दो, और मुझे हर अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। ओके आई मीन गर्ल, आई विल ट्राई। Look at her. She is not bad, huh? किशन भगवान आया तो था मैं डिग्री लेने, लेकिन आपने अपनी तरह मुझे गोपियों के पीछे भेज दिया। प्रॉब्लम ये है कि आप करे तो रास लीला, मैं करूँ तो भाई की तरह कैरेक्टर ढीला।
OMG, आपने फूल गिराकर मुझे आशीर्वाद दिया है। Too much? अबे डफर, इतना दिमाग मत लगा। हवा तेज थी इसलिए फूल गिर गया। किधर गए, 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 किधर गए? हे, माय नेम इज सीनू, पूरा नाम श्रीनाथ प्रसाद। एक्चुअली शहर नया है, कॉलेज नया है, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि दोस्त भी नए बनाने चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अपना कैंपस दिखा सकती हो? मैं दिखा सकती हूँ मेरा कैंपस। नाइस ट्राई, लेकिन जो मजा इनके दिखाने में वो तुम्हारे दिखाने में नहीं है। नाइस ट्राई, लेकिन ये किसी को कुछ दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ चल सुनैना। जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी जेलिस फ्रेंड क्यों बीच में आ जाती है? ओ बफी, लड़का क्रेजी है लेकिन क्यूट है। पलट 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 ना। क्या कर रहा है? किसे होल दे रहा है? तू मेरा दोस्त है ना, तो ये तेरी होने वाली भाभी है। अबे इस कॉलेज में 200 कंफर्म लड़कियां हैं। हाँ। और तुझे यही मिली? सुनैना सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे कॉलेज की भाभी है। अरे जरा सोच यार, ब्रैड और एंजेलिना, ब्रैंजेलिना, सुनैना और सीनू। हाँ। सुनैनू। हाँ? सुनैनू। हाँ? सपने देखना बंद कर, ये अंगद नेगी की होने वाली बीवी है। कौन है अंगद नेगी? Anger is one of the most destructive emotions, especially in a relationship. बिल्ली गुस्से में स्क्रैच करती है, गधा गुस्से में लात मारता है। अंगद भी एक किस्म का जानवर ही है। इनफैक्ट अंगद जानवर जैसा दिखता भी है। आपको क्या लगता है अंगद कौन सा जानवर दिखता है? अंगद तो बिल्कुल गीदड़ लगता है। मुझे पर्सनली अंगद गली का कुत्ता लगता है, जो खुलेआम सब कुछ करता है ना? क्या हुआ अंगद, आज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं डॉक्टर, दूर दूर तक गुस्सा नहीं आ रहा है। Are you sure? डॉक्टर, अगर गुस्सा आ रहा होता तो आप अगला सवाल पूछने तक जिंदा होते क्या? Good control, अंगद, good control, excellent. Thank you. अंगद, आज तुम्हारी आखिरी क्लास है, so before you go, I just want to ask you a few questions. क्या तुम अभी सुनैना से प्यार करते हो? Knock knock. Knock knock. कौन है? सुनैना। सुनैना कौन? मुझे भी नहीं पता। Brilliant, brilliant. See, this is how you deal with it. Huh? I am so proud of you. आप भी अंगद बन सकते हैं। See, just look at him. Remarkable. तेरी दोस्ती मुझे भी महंगी पड़ गई। ना कोई लड़का मुझसे फ्लर्ट करता है, ना कोई बात करता है। सॉरी। हाय। बाय। हाय, आई एम हरी, नया स्टूडेंट हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या कर रहे हो अंगद भाई? ऐसा व्यवहार करोगे तो रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। भाभी, सुनैना देखो, डरो मत। हाँ, मैं एक बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे खातिर मैं क्रोध रोककर क्लासेस के लिए भी गया। लेकिन शतरंज की तरह रानी अगर प्यादों से मिलने लगेगी तो बाजी हाथ से निकल जाती है ना भाभी? कौन है? कौन है?
एजी। एजी कौन? एजी कौन? एजी ओ जी। लो जी सुनो जी, सुनैना के साथ कोई बैठा ना, वो तो गयो जी। भाई तू इतना कंफ्यूज क्यों लग रहा है, कहीं पे भी बैठ जाना। भाई आज के बाद तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल में भी ना बैठूं। इसे क्या हो गया? ड्रंक ड्राइविंग से लेकर मारा मारी हर केस में अंगद भाई ने तुम लोगों को बचाया। बदले में सिर्फ इतना मांगा कि सुनैना भाभी पर नजर रखो। चश्मा उतार। आज के बाद कोई भी लड़का सुनैना का दोस्त नहीं बनना चाहिए। लाइन क्लीशे है लेकिन इमोशन रियल है। Do you want to make the friendship with me? क्लास हो, कैंटीन हो या लाइब्रेरी हो, कोई भी लड़का उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। मुझे क्लासरूम में तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ना है, कैंटीन में तुम्हारे साथ बैठ के खाना है और लाइब्रेरी में तुम्हारी किताबों में झांकना है। इतना डर फैला दो कि सुनैना को कोई भी SMS भेजने वाला हाथ ऐसे कांपे की बटन न दबा पाए। I want to text you, mail you, tweet you, Skype you. और अगर तुमने फिर भी जवाब नहीं दिया ना, I'll poke you. On Facebook. अंगद भाई जल्दी चलो। हे मॉम, माफ कीजिएगा मैं भूल गया, ये आपके लिए मेरी माँ ने भेजा है मेरठ से। भाभी वाया आगरा, इनका खानदानी घाघरा। डिग्री का तो पता नहीं माँ, लेकिन गर्लफ्रेंड जरूर अपने साथ लेके आऊंगा मैं। बाय। अरे अब माँ को भी तुम्हारे बारे में बोल दिया है मैंने, और माँ के राजमे की कसम बैंगलोर में तुम्हारा दिल जीतूंगा, ऊटी में हमारी शादी होगी और गोवा में हनीमून। इसका प्यार काफी लो बजट है। ये साइडी रोइन चुप रहे। अंगद से ज्यादा मुझे तुमसे डर लगने लगा है। चल ईशा। सुनैना हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। हाँ, या न्यूजीलैंड और केन्या। नहीं वो अच्छा नहीं है। ओ वेयर यू वांट टू गो? देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। अरे आ कहीं कॉफी पिलाऊं तुझे मैं, हाँ या कोई पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं। चल ले चलूं तुझको ऐसी जगह, ओ मेरी जान जा, जहां हमको नहीं हो किसी की खबर, जहां लागे लगे ना किसी की नजर। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। हो कहता है क्यों मुझसे जमाना, अरे हाँ नहीं आसान है तुझको पाना। आह
तेरे नखरे उठाऊं सनम, मुझको तेरी कसम, टांग दू चांद को तेरी खिड़की पे मैं, टांग दू जान को तेरी कुर्ती में मैं, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत, अरे पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तो पलटना तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। क्या हुआ? किधर जा रहा है? अंगद नेगी की लड़की तुझे ढूंढ रहे है। मुझे? हाँ। अरे मैंने क्या किया है यार? अबे भाग! अरे वाह, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी पहली डेट क्लासरूम में होगी। सिनू, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ जिसका तुम दिल जीत सकते हो। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तुम मरोगे बैंगलोर में, तुम्हारी लाश चलेगी ऊटी में और तुम्हारी अस्थियों को अंगद डुबाएगा गोवा के समुद्र में। तुम इस अंगद से इतना डरती क्यों? पुलिस में कंप्लेन करो ना। तुम्हें पता भी है अंगद कौन है? शायद मेरी किस्मत खराब थी जो एक दिन ये मुसीबत मेरे घर तक आ पहुंची। लगता है ड्राइवर आया। देखो देखो आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। अंगद नेगी, आपका फ्रेंडली नेबरहुड पुलिसमैन। आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। अरे सुने ना भाभी, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हैं। कौन है आप लोग, क्या चाहिए आपको? अरे डैडी जी। नमस्ते डैडी जी, ये सूट पीस आपके लिए, रेमंड का। बिकॉज़ एवरीबॉडी लव्स रेमंड। अरे पीटर, सबको बूंदी के लड्डू खिलाओ यार। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुंह मीठा हो जाए तो फिर कड़वी बात निकालने की हिम्मत नहीं होती ना। सर ये मेरी कुंडली है, डोंट वरी, जब दिल मिल गए तो कुंडली तो मिली। अरे मिल चुकी भाभी, नमस्ते। सुनैना, आफ्टर ऑल शिद्दत वाला प्यार हुआ है ना मुझे सुनैना से। हाँ, एक फोटो हो जाए भैया। भाभी एक फोटो हो जाए, नजदीक आओ। हाँ स्माइल प्लीज, स्माइल, कम ऑन। अरे अच्छे से गले मिलो, अब तो जिंदगी भर मिलना ही है। How dare you? कि मेरे घर में घुस के जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करने की बात करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी को तुम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस कंट्री का एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन हूं, मेरे टैक्सेस से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, और आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। भैया जी, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। गुस्सा? मुझे गुस्सा कहाँ? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ये तो पिता समान है। I'm sorry sir. Sorry बोले। चलिए हाथ मिला के गिले शिकवे सब भुला देते। मिलाओ मिलाओ, हाथ मिलाओ अंकल। क्या क्या अंकल, एक पुलिस वाले को ही गोली मार दी। अरे पीटर यार, कितने साल की लगेगी ससुरे को? अरे जब तक अंकल बाहर आएंगे तब तक आपके भाभी के बच्चे हमें अंकल बोलने लगेंगे। पीटर नॉक नॉक। कौन है? बकरा। बकरा कौन? अरे ये जो फंस गया। डैडी जी, अब फैसला आपके हाथ में, या तो इस गोली की वजह से आप जेल जाएंगे या सुनैना की डोली मेरे घर जाएगी। अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया। अरे फिक्र मत करो, just be calm and have faith in you. You know what? तुम जियो या मरो, I really don't care. You know what? मैं जियो या मरू, I think you do care.
हाथ में हॉकी लेकर पैंट में जॉकी पहनकर चौकीदारों की तरह क्या खड़े हो? अपनी भाभी को जाने दो। भाभी? तुम्हारी भाभी है, ऐसे घूरो मत। गाइस, मैं इस वक्त मूड में नहीं हूं, तुम लोग बाद में आना ना। मूड में नहीं है का क्या मतलब? देख, ये हॉकी स्टिक्स और ये बेसबॉल बैट हमने दूसरे स्टूडेंट से बोरो किया है, बिना यूज किए वापस नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तुम लोग को तीन ऑप्शन देता हूँ। पहले को तो मैं तोड़ूंगा, दूसरे को तो मैं फोड़ूंगा, और तीसरे को तो मैं तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा। मेरा फेवरेट है ये। विकी, गिरी, गोल्डी। अब फोड़ने की बारी, नंबर टू। अब तीसरा, मेरा फेवरेट, गोल्डी। अभी धक्का क्यों दे रहा है? देखा नहीं उसने क्या कहा? पहले तोड़ूंगा, फिर फोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ कर जोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा। उसका तो फेवरेट है, तू जाना। अरे यार, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। भाई, मेरे पास ना तीन ऑप्शन है। पहले मैं दौड़ूंगा, दूसरा मैं और तेज दौड़ूंगा, और तीसरा तो मेरा फेवरेट है, मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। नाम बता। सर, सीनू नाम है उसका। पूरा नाम श्रीनाथ प्रसाद। सर, मैं ऊटी से बैंगलोर पढ़ने के लिए आया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने 9 बजे कॉलेज में एंट्री मारी, 9:05 पर मैं किशन जी से मिला, और उसके 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे सुनैना से मिला दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? आगे बक। सर, मोबाइल नेटवर्क की डॉगी की तरह मैंने उसे कैंपस में फॉलो किया, एआर रहमान की जिंगल की तरह ना मैंने उसके लिए गाना भी गा दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके नाम का प्रीपेड कार्ड ऑलरेडी इंस्पेक्टर अंगद नेगी ने लिया है ना, तो मैं पीछे हट गया। सर, आई डोंट वांट रिलेशंस। इसने सुनैना को डॉगी की तरह फॉलो किया, गाना भी गाया, तूने बताया भी नहीं। सर, एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छे खानदान का बॉय हूँ, मैं चलता हूँ, पीस। ए, तुझे लगता है सुनैना में इतनी हिम्मत है वो किसी और से प्यार करने लगे? अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चे दिल से प्यार करे ना, तो वो नहीं डरेगी, और अगर कोई लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार करे ना, तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी मंत्री की बेटी हो या पुलिस की यूनिफॉर्म में किसी संतरी की गर्लफ्रेंड। ऑल द बेस्ट। चल, तुझे एक चांस देता हूँ, पटा के दिखा सुनैना। मैं तो यह पढ़ने के लिए आया हूँ सर, और वैसे तो आधा कॉलेज सुनैना से प्यार करता है। एनीवन विल एक्सेप्ट इट सर। नहीं नहीं, तू करेगा, सिर्फ तू करेगा। वैसे सर, मुझे पूरा यकीन है कि 99.99% वो मेरे प्यार में गिरेगी, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में। पर उस वक्त तक ना, अपने इन भाड़े की बहनों से कह दो आप कि फूलों कतारों का सबका कहना है, 3 दिनों तक सिर्फ मेरी सुनैना है। इफ डोंट माइंड ना, आई मीन सो ला 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 ला। अंगद भाई, ये लड़का बड़ा कमीना है,
अगर कहीं इसने भाभी को पटा लिया। अंगद भाई एक बात तो अपन बोलना ही ची भूल गया। क्या? अरे वो सुनैना को घुमाने का फिराने का, पिक्चर दिखाने का, कोको कोला पिलाने का, 9 से 12 डिस्को में नचाने का, उसका पैसा तो लगेगा ना भाई। माल आपकी है तो माल पानी आपको देना पड़ेगा ना भाई। मतलब हाँ, बात तो सही है ना भाई, भाभी के कंफर्ट लेवल का सवाल है, ऐसे थोड़ी चिल्लर समझ के दिए तो भाई। दिल का बड़ा है, बिल अपना छोटा है, दुआ में याद रखना भाई। चलो अपन चलते हैं। पीटर नॉक नॉक। नॉक नॉक कौन? जीके। जीके कौन? अरे जीके क्या करेगा ये लड़का, सुनैना को सबक सिखाने के लिए इसे तो मरना होगा। Todo pago sar, todo pago sar. हेलो फट्टू। Are you crazy? क्या कर रहे हो तुम? Bill jumping, जपाक, जंपक, जंपक। तुम क्या कर रही हो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे रोज दिवाली होती है? क्यों? तुम्हारी इतनी फट्टी क्यों है? हाँ, तुम अंगद से डरती हो, कॉलेज में उसके भाड़े के टट्टुओं से डरती हो। मैं किसी से नहीं डरती। ओ हेलो अंकल, तुम तो अपने डैड से भी डरती हो। देखो इससे पहले कि मॉम डैड आ जाए, प्लीज जाओ यहाँ से। मम्मी डैडी घर पे है क्या? देन मम्मी डैडी सीनू इज कमिंग। नाइस रूम। हाँ वाओ, सीनू स्टॉप इट। डबल स्प्रिंग वाली मल्टीपर्पज मैट्रेस, डैडी ने अच्छा खर्चा किया है। ओ बचपन में चीक्स बेटर थे लेकिन जवानी में लेग्स बेटर है। सिरू प्लीज लीव ना। ओके वहां से नहीं। सिरू सिरू प्लीज स्टॉप, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी। क्या कर रहे हो सिनू? यू सेड कुछ भी। बट व्हाट आर यू डूइंग? कभी कहते हो लेग्स बेटर है, कभी खुद ढक देते हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। समझना चाहती हो ना तो कल सुबह 9 बजे CCD आ जाना। ओके क्या? बाय। वो हाय अंकल आंटी, वो मैं सुनैना को अपने वो 6-pack abs दिखाने आया था। ओके बाय। So, सुबह 9 बजे कैफे कॉफी डे गई थी? नो वे, उस सीनू से जितनी दूर रहूंगी उतना अच्छा होगा। दूर तुम रहोगी लेकिन पास वो आ रहा है। कैफे कॉफी डे नहीं आकर बहुत बड़ी गलती कर ली तुमने। जो बात मैं अकेले में करने वाला था ना, अब सबके सामने करूंगा। वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ मिल गया। I love you. सुनाई नहीं दिया क्या? I love you. तुम्हें मेरे इस आई लव यू का जवाब देने में ना जितना टाइम लेना है ले लो, आधा दिन, एक दिन, दो दिन, ढाई दिन, लेकिन मैक्स 3 दिन। ना आज तुम अंगद से डरती हो, कल कोई और होगा। जितना तुम डरोगी ना उतना ही वो तुम्हें डराएंगे। नाइस कैच। क्या क्या घूर रहे? मारेगा 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 मारेगा। नेगी साहब के पाले हुए कुत्तों, हड्डी और बिस्कुट के साथ तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था कि 3 दिन तक देखना, भौंकना, लेकिन काटना नहीं। चला भाई, भाभी हाथ से गई। चुप कर रहे हैं यार। भाई इसको 10 में से कितने मार्क्स देगा? 4 on 10. ओए टॉन्टन, इस वाली को तो माइनस में दूंगा। लूजर्स। मुझे कितने नंबर देगा?
आपको नंबर गौरी को फो ईशा को माइनस अरे हम तो सिर्फ पड़ी पड़ी बीच में मत बोल तू बोल 10 out of 10 अबे भाभी को नंबर दे रहा भाभी होगी तेरी बहन हाँ। औरत की इज्जत उतारना नहीं इज्जत करना सीखो हाँ। चाहे वो किसी भी शेप साइज या कलर की क्यों ना हो समझे हाँ। वाह भारतीय नारी हुई अंगद के कुत्तों पर भारी जा 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 अभी जाना चिपक लेना क्या डर रहा है जा वेल डन ना सुनैना क्या कर रही हो सब लोग देख रहे हैं चल फट्टू देख रहे हैं तो देखने दो ना मैं फट्टू नहीं हुआ शर्मी की हाय वो सारी नाइट बे शर्मी की हाय एक तू एक मैं और हो दिन दिन ये लाइट वो सारी नाइट बे शर्मी की हाय वो सारी नाइट बे शर्मी की हाय एक तू एक मैं और हो बिगड़ा हूँ मैं यूं थोड़ा तू भी बिगड़ जा अरे आगे बढ़ूं मैं थोड़ा तू भी आगे बढ़ जा आज नियत थोड़ी होने दे खराब सी दिखने लगी है इन हवाओं में शराब सी 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 की सारी है जो खुमारी आ दोनों पीले लम्हे नशीले करे हमको ये बड़ा एक्साइट हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट हाइट हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये गायब हो गया है अपनी जगह से जो भी हुआ है वो हुआ है तेरी वजह से लेनी है सांसें मुझे अब तेरे साथ में कहीं भी ले जा हाथ लेके तेरे हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में साथ में साथ में साथ में साथ में
कहाँ है श्रीनाथ प्रसाद? वो दोनों तो क्रिकेट टीम से कब के रिटायर हो गए, अब तो वो कमेंट्री बॉक्स में होंगे सर। क्यों अपने दोस्त के लिए हार से सजी हुई फोटो बनकर दीवार पर लटकना चाहता है? कहाँ है? मैंने कल उसे थिएटर में देखा सुनैना के साथ, दोनों एक ही सीट पर बैठकर पिक्चर देख रहे थे। भाभी सीनू की गोदी में मतलब कांड हो गया। सर मैं आपके लेवल का आदमी नहीं हूँ, प्लीज मुझे नीचे छोड़ दो प्लीज। हाँ बोल, कहाँ है? अबे ऐसे कैसे गायब हो गए? अभी तेरा काम आके मैं करूं क्या? सब जगह ढूंढो उन्हें, अरे कहीं तो होंगे। अंगद, भैया क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों? हाँ सुनैना पड़ गई। एक्चुअली ना उसे मुझसे शिद्दत वाला प्यार हो गया है। भैया आप वाला प्यार हो गया है? अरे ये लो उसी का फोन है। भाभी नमस्ते। हेलो, व्हाट्स माय बेबी डूइंग? भाभी ने सीनू को बेबी कहा। सुनैना एक्चुअली ना मैं तुम्हारे प्यारे मुंह से वो तीन प्यारे वर्ड सुनना चाहता हूँ। बेबी। सीनू ने भी भाभी को बेबी कहा? अबे मैं भी सुन सकता हूँ। बोलो ना सुनैना। अरे कितनी बार बोलूं? आई लव यू सीनू। अच्छा सुनो सुनो, अब थोड़े और फीलिंग के साथ और लव पे थोड़ा और स्ट्रेस। आई लव यू। You're killing me, I can't take it. अच्छा एक 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 और लास्ट लास्ट ना, अब एक स्वीट सा सॉफ्ट सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला। सीनू आइसक्रीम खाना चाहता है। इस मुआ के बाद आपको दुआ की जरूरत है। I'm coming there. I'll see you later. हाँ? Okay, Peter. दूसरी भाभी पकड़ ले तू। Okay. नेगी साहब, bye. अश्कर। ऊटी में लवडेल स्ट्रीट हाउस नंबर 24 तेरी माँ लिटिल एंजल स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती है और तेरा बाप ऊटी का एक लौता सुपरमार्केट चलाता है। सही कहा ना? मेरे घर की ज्योग्राफी जान ली तूने, मेरे माँ बाप की बायोग्राफी जान ली तूने, पर अफसोस मेरी पूरी हिस्ट्री नहीं जानी तूने। बचपन से 15 स्कूल से निकाला गया हूँ मैं, 10 पुलिस ऑफिसर्स ने मेरी वजह से अपना ट्रांसफर भी कर दिया और एक आधा एमएलए तो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया मेरी वजह से। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। और आज के बाद ना अंगद, अगर तूने गलती से भी मेरे मॉम डैड या सुनैना को याद किया ना, तो मेरठ जाने वाली अगली ट्रेन पकड़ूंगा, गली नंबर 14 में कोठी नंबर 12 में जाके तेरी माँ के चरण छूके मैं कहूंगा, ए माँ मुझे माफ कर दे माँ, क्योंकि मैं तेरे लाल का वो हाल करने वाला हूँ जो 2003 वर्ल्ड कप में सचिन और सहवाग ने पाकिस्तान का किया था। क्या बात है भाई, क्या खेले थे दोनों। सीनू आ गया ना अपनी औकात पे अंगद। हाँ पहले तो सुनैना के डैड को फंसाया था पीटर को गोली मार के, आज तू पीटर को फंसा रहा है मुझे गोली मार के। फंसता तो हमेशा पीटर ही है, क्यों पीटर? हाँ भाई ठीक कह रहा है भाई। हट जा पीटर। अरे आप बंदूक के डायरेक्शन दूसरी तरफ करिए। चला गोली। कंट्रोल पीटर कंट्रोल। अरे भाड़ में क्या कंट्रोल, आप बंदूक दूसरी तरफ करिए। अरे मार गोली। हट। अरे हटे कहाँ जा, आप देखो समझ नहीं रहे बात को। मार गोली मार मार। हट 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 हट। पीटर हट पीटर। कम ऑन अंकल शूट शूट भाई। पीटर हट यू शूट भाई। गोली लग जाएगी यार। शूट अंकल। हट पीटर। हट पीटर। अंगद भाई फिर से गोली मार दी तुमने। अरे यार पीटर मैंने बोला था ना हटने को। आप मेरे घर में कैसे घुस गए? नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ।
नॉक 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 पीटर, कौन है? बकरा। बकरा कौन? अरे ये जो फंसा। वाह मेरे हीरो। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ यार, सिर्फ एक मामूली सा लड़का हूँ। तुमने अंगद को सस्पेंड करवा दिया। हाँ। मेरे मॉम डैड को अपने सिक्स पैक्स दिखा दिए, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? Cause nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, nothing's gonna change my love for you. हेलो सीनू। अरे सीनू नहीं भाई, पूरा नाम श्रीनाथ प्रसाद। अंगद सुनैना का है। तुम्हें क्या लग रहा है कि सुनैना को उठा ले जाने वाला मैं हूँ? अरे यार ये हेलीकॉप्टर मेरे बजट में नहीं है। इनका पावर और पैर जमीन तक ही लिमिटेड है भाई। पीटर शट अप। अंगद सीधे सीधे बता सुनैना का है। तुझे याद है कुछ महीने पहले जब तू ऊटी से बैंगलोर ट्रेन में आ रहा था, मुझे पता है बाबू कौन है, बाबू का बाप कौन है, बाबू का भाई कौन है? अरे पगले वो नहीं, उस ट्रेन में कोई और थी जो तेरे पंच लाइंस और पंचेस पे दीवानी हो गई, पता नहीं क्यों। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। चलेगा यार, वैसे भी सीनू को सस्ती चीजें पसंद नहीं। केड़ा हो? उस दिन उस ट्रेन में तेरी तकदीर बदल गई। आयशा सिंघाल को तुझसे प्यार हो गया। उसका बाप पता है कौन है? विक्रांत सिंघाल, एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा गैंगस्टर। पूरी दुनिया जिसके आगे कमजोर है, उसकी एक ही कमजोरी, उसकी बेटी आयशा। तुझे ढूंढते ढूंढते विक्रांत के आदमी आए थे हमारे पास। हमने उनसे कहा सीनू बहुत कमीना है, ऐसे हाथ नहीं आएगा, मगर सुनैना को ले जाओगे तो वो मोबाइल नेटवर्क के डॉगी की तरह रहमान का जिंगल गाता हुआ पीछे पीछे चला आएगा। बेटा तेरे पास दो ऑप्शंस हैं, बैंकॉक जाके आयशा से शादी कर या विक्रांत की गोली खा।
पीटर नॉक 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 कौन पॉप पॉपकॉर्न अरे पॉपकॉर्न का मजा तो अब हम लेंगे कहानी में ट्विस्ट जो आ गया चलो चलो पॉपकॉर्न खाओ सेहत बनाओ तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है जी आप यहाँ? Hey, you know Ganpati ji and Krishna ji told me everything about you, huh? And your slam bam tactics will not work here, man. देख आगे मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन ये मुश्किलें सिर्फ only मोहब्बत से सॉल्व होंगी। इसलिए अपने प्यार को प्यार से ले जा, मार से नहीं। In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. बुलाता इंडिया से आ गया है। Greet him, boys. Greet him. Son-in-law, welcome. मैं भी सोच रहा था कि आयशा ने ऐसा क्या देखा तुझमें जो तेरी इतनी दीवानी हो गई। आज पता चला कि उसने वही देखा तुझमें जो बरसों पहले उसकी माँ ने देखा था मुझमें, 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 मुझमें। जैसे हर कोक कोला नहीं होता, जैसे हर चना छोला नहीं होता, वैसे ही हर मासूम दिखने वाला भोला नहीं होता। बल्ली डार्लिंग, यू वांट छोला और कोका कोला? विक्रांत भाई, वर्ड्स को छोड़ो, इमोशन पे जाओ, इमोशन पे। तुम लोगों को क्या मैं बच्चा लगता हूं? तुम लोग सोचते हो कि मैं सुनैना को ऐसे लेके नहीं जा सकता ना? सर, मैं ऊटी जैसे छोटे शहर का रहने वाला हूँ, और हर वो हिंदुस्तानी जिसे टाटा या अंबानी के घर पे पैदा होने का मौका नहीं मिलता ना, वो यही एक सपना देखता है कि एटलीस्ट उसे एक मौका मिले कि वो उनकी बेटी को पटा सके। हाँ, दूल्हा तैयार है सर? हाँ, हु इज द ब्राइड? I like my son-in-law. I like her. What a beauty. I like you. I like... Huh? My lady. ये भाभी है मेरी। भाभी? विक्रांत भाई की गर्लफ्रेंड। ओके। वेरोनिका। काम डाउन बाली, ये गलती तो सबसे होती है। Oh, Vicky, darling, how I miss you. I miss you too, darling. Sir, but आयशा की माँ किधर है? मम्मी? आयशा की माँ... आयशा जब 4 साल की थी तो उसकी माँ और मेरी पहली बीवी गुजर गई। बस तब से मैं रंडवा हूँ, रंडवा हूँ, रंडवा हूँ। सर, आप ऐसे बात क्यों? ऐसे कैसे? ओके, ऐसे बलि डालें। विक्रांत भाई मनाली की वादियों में पैदा हुए थे ना, तो अक्सर इनकी आवाज गूंजती रहती है। हो 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 हो।
बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ। मुझे ममता की बहुत जरूरत है। Don't ever do that, okay? बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? सुना है ना? सर, वो मिडिल क्लास लड़कियों को ना मिडिल में ही छोड़ देना चाहिए। स्मार्ट बॉय। मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कल है, got it? I don't care. फादर लो। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ 10 दिन दीजिए ताकि मैं आयशा को जान सकूँ, समझ सकूँ, तो बॉन्डिंग यू नो। सन-इन-लॉ शादी कल ही होगी, ओके? But Dad, मैंने सीनू का इंतजार इतने महीनों तक किया, क्या मैं उसकी खुशी के लिए 10 दिन और इंतजार नहीं कर सकती? Just do as he says. Emotional blackmail. As you wish, my princess. Come on. Thank you, Dasu. Anything for you, my darling. How do I look? Sir? No, no, tell me, tell me. Sir? Yes. Nice of you. सर, यार यार yes. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब जब आपकी बेटी और मेरा वो रिश्ता पक्का हो गया ना, तो वो सुनैना को ऐसे भेज दो। क्यों? क्योंकि मेरी एक्स यार रहेगी ना, then I'll feel extremely uncomfortable. विक्रांत भाई, जैसे हर भिखारी को जरूरत होती है सिग्नल की, जैसे हर जिम को जरूरत होती है डंबल की, वैसे ही जरूरत है इस लड़की को यहाँ रहने की। बल्ली डार्लिंग, तुम्हें इसके साथ भीख मांगनी है या जिम में जाना है? अरे विक्रांत भाई, वर्ड्स पे मत जाओ, इमोशन पे जाओ। ये लड़की गारंटी है कि ये सीनू कहीं नहीं जाएगा। गॉट इट। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, ये लड़की यहीं रहेगी। नो सर, मैं तो यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ। शट अप, लेट्स गो डार्लिंग। डैडजू, ओके, डोंट मेस विद माय डॉटर। डैड, डैडजू, नो वायलेंस। ओके, नो वायलेंस, नो वायलेंस, बाय डैडजू, नो वायलेंस। कम। हाय सुनैना, जब से मैं पैम्पर्स में थी, मेरे डैड मुझे तब से पैम्पर करते आए हैं। क्लोथ हो या शूज, मेरे डैड हमेशा मेरे लिए एक एक्स्ट्रा पीस लेकर आते हैं। तुम्हें यहाँ आने से पहले पैकिंग करने का टाइम नहीं मिला ना, सो आई गॉट दीज फॉर यू। तुम मेरी डिजाइनर ड्रेसेस पहन सकती हो, मेरे जिमी चू के जूते ले सकती हो, मेरा मेकअप लगा सकती हो। व्हाट्स माइन इज योर्स, एक्सेप्ट फॉर सीनू। ओह, ही इज कॉलिंग मी। सीनू चीट कॉट यू डॉग। तुम भी ट्राई करो, तुम्हारा हर स्टाइल देख लिया, बस एम देखना बाकी है। आयशा, मेरी एक प्रॉब्लम है, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। आई कांट। डोंट वरी, आई विल टीच यू। सही निशाना भी लगाना और सही निगाहें भी मिलाना। अब पता चला, जब वीरूपा जी बसंती को गन चलाना सिखा रहे थे ना, तो बसंती को कैसा लगा था? बल्ली डार्लिंग, लगता है सन-इन-लॉ फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। तुम्हें टॉमी पसंद है? टॉमी? टॉम क्रूज। ओह या, आई'd लव टू टेक अ क्रूज विद हिम। फिर अपना, हाँ, टोनी। ही इज माय माही। आई लव माही। फिर है अपना, ओह या, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पूछते। करेक्ट। लेकिन टॉमी, धोनी और शाहरुख में से तुम किसी से प्यार करती हो? नो। एग्जैक्टली। तू मेरे कुछ पंचेस और पंचलाइन से इम्प्रेस किया होगी। तू इसे प्यार से पूछ बेटी। आयशा, यू लाइक मी, यू डोंट लव मी, इवन आई डोंट लव मी। आई लव यू, आई लव यू। ओके आयशा, यू लव मी, बट ट्रू लव, आई मीन लव, वन वे नहीं, टू वेज होते हैं। जैसे कि जब मैंने सुनैना को पहली बार देखा, तो हम दोनों के दिल में घंटी बजी। जब तुमने मुझे ट्रेन पे देखा था, तुम्हारे दिल में घंटी बजी? नहीं, घंटी नहीं बजी थी। मैं तुम्हारे लिए सुनैना को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे दिल में घंटी नहीं बजी, तो घंटा तुम्हें मुझसे प्यार है? ये कैसा लॉजिक हुआ, घंटी घंटा?
सीनू कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं तो सो रही थी। जैसे जून से पहले मैं आता है, जैसे पांच के बाद छह आता है, वैसे ही हर डॉगी का डे आता है। यू मीन कि आप इस घर के डॉगी हैं? हाँ, मैं इस घर का डॉगी हूँ। और मुझे मालूम है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है सीनू। मैं बाहर इंतजार करूंगा। ठीक है, गुड नाइट। क्या कहा था तुमने? मिडिल क्लास लड़की को मिडिल में ही छोड़ देना चाहिए? सुनैना, आई वांट रोमांस, आई वांट रोमांस, आई वांट रोमांस। ये रोमांस नहीं है। ओके ओके सुनैना, तीन दिन हो गए हैं, मुझे मिलके खुश नहीं हो क्या? सिर्फ ये मजाक नहीं है, ये अंगद और उसके कुछ गूंज नहीं है, ये लोग बहुत डेंजरस है। आई नो सुनैना, एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में पड़ी, पर प्यार किया तो भरोसा करो ना। अब भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो प्यार किया है। तो चल। अभी? अभी। सारे एंट्री एग्जिट चेक करो, सारे एंट्री एग्जिट्स। इस घर से सीनू तो क्या एक मच्छर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बल्ली, तुम्हारे रहते सीनू भागा कैसे? जैसे सुपरमैन पहनता केप है, जैसे किंग कॉन्ग को कहते एप है, वैसे ये ग्रेट एस्केप है। बल्ली, वर्ड्स को छोड़ो, सीनू को ढूंढते हैं। फॉलो मी। यस अब जो भी करेंगे ना, ये करेंगे। मैंने नहीं काशी देखा, ना ही नीलकंठ देखा, बैजनाथ भी ना देखा, देवघर भी ना देखा। बोल तेरे दर्शन को कब से तरसी है प्यासी प्यासी मेरी अखियां। भोलेनाथ शंभुनाथ सुन ले मेरे दिल की बात, पूजू मैं भंडारी तुझे सारा दिन सारी रात। तेरे ही तो जीवन नाम किया है भोले, मैं हूँ दीवाना तेरे दर का। मुझको अब जुनू ये चढ़ा है भोले, तू जाने ना मेरी भक्ति को भोले बाबा क्यों पहचानना। जिद पकड़ के खड़ा हूँ दर्शन की भोला क्यों जाने ना। भोले मेरा दिल, भोले मेरा दिल, भोले मेरा दिल, मानना मानना। बिंदरस के दिल, बिंदरस के दिल, बिंदरस के दिल, मानना मानना। दिल बेहाल है निहाल है, तुझी पे क्यों जानना जानना। भोले मेरा दिल, भोले मेरा दिल, भोले मेरा दिल, मानना। जय भोलेनाथ। डैन, इट्स ओवर। या या, आई नो वाह बेटा वाह। बल्ली डार्लिंग, देखा तुमने जिस घर से इंसान को भगवान तक पहुंचाया जाता है। What is the point? The point is कि उस घर में इसने भगवान को याद किया है। Thank you, sir. सीनू बेटा, you are a good son-in-law. नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक बात बता। घर में गणपति जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, तो ये पेंटिंग के सामने पूजा करने की क्या जरूरत थी? बल्ली भैया, शिवजी बप्पा के पप्पा है। हाँ है तो? तो पहले पप्पा की पूजा, फिर बप्पा की पूजा। Got it? नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक बात बता। ये रात को 4 बजे कौन पूजा करता? अरे बल्ली, भगवान को मन से याद किया जाता है, समय देखकर याद नहीं किया जाता। तो ये गाना तुमने ऊटी में लिखा है? ऊटी में सर। उठाया कहाँ से? सर ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। देखा बप्पा, आज आपके पप्पा ने मुझे बचा लिया। जय भोले। सीनू, तूने तो मेरे डैडी को भी नहीं छोड़ा।
जी चाहता है कि सून लपेट के तेरा गला दबा दूं। दोनों को अंदर भेज दो। अरे बाप रे, कितना अच्छा है सब कुछ अंगद भाई, मजा आ गया। अरे जियो जियो जियो। अरे बाप भाई, सीनू की मर्सिडीज, सीनू की धरना, सीनू का स्विमिंग पूल, पूरा का पूरा महल, कितना बड़ा हाथ मारा है सीनू ने। भाई आप 200 स्क्वायर फुट में भाभी को ले जाना चाहते हो? बिल्कुल, शिद्दत वाला प्यार महलों में नहीं होता। इधर शिद्दत चारों तरफ फैली हुई है। हेलो, नमस्ते भाई। वेलकम। पाई लागू। अबे पैर क्यों छू रहा है? कपड़े तो देखो, हम तुमसे ज्यादा अच्छे इनके कपड़े। ए अंगद, तुमको यहाँ का वीजा किसने दिया? एनीवे, वेलकम टू माय लैंड थाईलैंड। विक्रांत भाई, हमारी डील थी कि मैं आपको सीनू दूंगा और आप मुझे सुनैना देंगे, तो मैं उसे अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। That's not possible. तुम सुनैना को तभी अपने साथ ले जा सकोगे जब मेरी बेटी आयशा की शादी होगी। And that's after 10 days. Tell him that. After 10 days. After 10 days. 10 दिन बाद। That's not the deal. I know that's not the deal. But don't worry, time flies. 10 दिन तो हलवा है, हलवा है, हलवा है। इनके साउंड सिस्टम में सराउंड क्यों बजता है? क्योंकि ये वादियों में पैदा हुए थे। शादी मुबारक हो आयशा बेबी। I'm sorry about the slap, but she's not Aisha baby. She's my girlfriend, Veronica. Tell him that. Cool down, baby. ये गलती तो सबसे होती है। Sorry. लेकिन पुरानी हवेली के पास में चिकनी चमेली देखकर ऐसी मिस्टेक तो किसी से भी होगी। सर, मैं एटलीस्ट सुनैना से मिल तो सकता हूँ। ऑफ कोर्स, सुनैना को बुलाओ। सो, लड़की अच्छी है, उसका ख्याल रखना। मिस्टर सिंगल, सुनैना इज मिसिंग। तो ढूंढो उसे। वो कमीना सीनू उसको भगाकर लेकर गया होगा। Don't move. Father-in-law. Dad-zoo? Aishu! What's happening? Why are you carrying this gun? वो मैं अपनी गन से अपने son-in-law को आशीर्वाद देना चाहता था। मेरा मतलब सुनैना मिल गई। What? जी, middle class लड़की बाथरूम में डांस कर रही थी। Okay, got it. We're just going for a long drive. Of course, go. Aisha, go. मुझे father-in-law से कुछ बात करनी है। But what? Aisha, please. Fine. हम आ गए। What is he doing? Dad, you ruined everything. Listen to me. Tell me, father-in-law, ये मामला क्या है? अरे कुछ नहीं son-in-law। अरे कुछ तो है ना? आप यहाँ बंदूक के साथ खड़े हो, अंगद भी आए, कुछ तो बात है, मुझे बताओ। अरे ये सुनैना को लेने आया था, सुनैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, फिर इस इडियट ने कहा कि तू सुनैना को लेकर भाग रहा है, तो मैंने बंदूक उठा ली। अब माफिया में तो ये होता है ना, माफिया की मार की मतलब कोई भी ढक्कन आपसे आके कुछ भी कह देगा, आप बिलीव कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका son-in-law हूं। या 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 या। और आपको मुझ पे शक है? मुझ पे? नहीं नहीं नहीं, एसजी का फायदा क्या है? फायदा क्या अगर भरोसा ही नहीं है मुझ पे? तो यू शूट मी। पागल है तू, अभी तो मर गया होता। आप ये झूठी हमदर्दी दिखा रहे, मुझ पे भरोसा नहीं है तो भेज दीजिए सुनैना को इसके साथ। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये सब इसी की गलती है, इसी की वजह से हुआ है सब। अब दिल से नहीं कह रहे, अब भेज दीजिए सुनैना को इसके साथ। मैं इस गन की कसम खा रहा हूँ, I trust you. अरे no one trust me, आप भेज दीजिए सुनैना को इसके साथ। अरे विक्रांत भाई, जब सीनू इतना बोल रहा है तो मान लीजिए उसकी बात और सुनैना को भेज दीजिए हमारे साथ। नहीं, सुनैना को रखिए अपने साथ। एक बात याद रखना, व्हाट्स योर नेम? पीटर। पीटर, जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटी से करता हूँ, उतना ही भरोसा मुझे सीनू पर है। अब जब तक शादी नहीं हो जाती, सुनैना हमारे साथ इसी घर में रहेगी। विक्रांत भाई, लग गई खाने की टेबल पे प्लेट्स, लग गई। गॉट इट। चलो son-in-law, अब लंच करते हैं। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चिकन पेरी पेरी पकाया है, पकाया है, पकाया है, पकाया है। चिकन पेरी पेरी? कितनी फिकर है मेरी पेरी पोना। माय son-in-law, तुम लोग जा सकते हो। विक्रांत भाई, सीनू और आयशा की शादी तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। व्हाट? वैसे भी मेरी माँ ने कहा था कि बिना बहू को लाए वापस मत आना। भले ही, दो प्लेटें और लगा देना। हमारी आयशु की शादी सबसे शानदार शादी होगी बैंकॉक में। ओके, समझो, लग गई।
ए सीनू देख तू ऐसे घूर के मेरे को डरा मत। आई एम योर फ्रेंड गणेशा। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड हूँ मैं। फ्रेंड के साथ ऐसे करते हैं? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, वैसे ही मेरी लाइफ की बैंड बजी है, ऊपर से आपने इस अंगद को भेज दिया। पता है, सुन लिया, पका मत। 3 बार घंटी बजा और निकल। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। 5 बार देखी है, प्लीज हेल्प कर दो। सीनू। हाँ? वही हुआ जो तुमने कहा। क्या? घंटी बजी। हाँ? एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बजी। What? For whom? It's a boy. अरे, I know it's a boy, but who's this lucky boy? Come, I'll show you. हाँ, okay, come. Look there. Peter, good choice. No, no, the other one. Angad, even better choice. Angu. Are you sure? लेकिन ये हुआ कैसे? सॉरी मैम। लेकिन सीनू, डोंट टेल एनीवन, ओके? जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं एक मिनट में। बप्पा, अगर आप हर भक्त की दुआ ऐसे ही सुनते रहे ना, तो दक्षिण से लेके उत्तर तक, वीचैट से लेके ट्विटर तक, आपके फॉलोअर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आयशा और अंगू देवा मितुला का सांगू। मुआ, 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 मुआ। सीनू, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ये तो सिर्फ एक इत्तफाक था। क्या भाभी आ गई? कहा? अरे सामने कहा? देखो सामने। अरे हाथ मत तो दिखाओ, आप देखते ही भाभी नर्वस हो जाते हो, तभी आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। भाभी कर रहा हूँ। पीटर, क्या बात है, सुबह सुबह मसाज कर रहे हैं। अंगद भाई की बड़ी सेवा करता है तू। अरे अंगद भाई है ही सेवा करने के लायक। पीटर, वैसे मसाज की जरूरत तो मुझे भी है यार। अरे सीनू भाई बोलो, आपको तेल कौन सा पसंद है? केशुनेटल, कोकोनेटल, दोनों हमारे पास मौजूद है। पीटर, मैं मर्दों से मसाज नहीं लेता, डोंट माइंड ना। वैसे मैं किससे लू? मिल गई यार, मिल गई। Boys, I'll see you later, see you. सीनू गया अपनी बेबी, मतलब भाभी से मसाज कराने। हो गई मसाज। अंगद भाई। पानी में पानी हो रही हो। लोग यूजली स्विमिंग पूल में लैप्स लेते, लेकिन तुम तो अंगद के लैप में, अंगद के अंग से अंग लगा रही थी। सीनू, डोंट ट्रबल मी, गो। ओके ओके, आई विल गो, बिकॉज़ यू डोंट नीड मी एनीमोर। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ जाके अपने डैड से कह दो कि तुम्हें उस अंगू से प्यार है, मुझसे नहीं। सीनू, भूल गए? You're the one who told me that love is not one way only. It's a two-way thing. बोला था। अरे भूल जाओ उसको। मैं कहता हूँ कि अंगद 1-2 दिन में आके तुमसे खुद आई लव यू कह देगा। ट्रस्ट मी, मैंने उसकी आंखों में देखा है। ओके। बट सीनू, या डोंट टेल एनीवन। स्वे प्रॉमिस, प्रॉमिस, सच्ची। आई शपथ। गो स्विम। ओके, डैडी को कहो। नो डैड, हम सीनू के बारे में गलत थे। वो विक्रांत का बैंक बैलेंस देखते ही मुझे भुलाकर विक्रांत की बेटी की तरफ झुक गया।
अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। डैड, मेरे कभी अंगद के प्यार को समझा ही नहीं, कितनी गलत थी मैं। But now I know, he truly loves me. उससे अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। अब किस मुंह से अंगद को आई लव यू कहूँ? लेकिन अगर उसने सामने से अपने प्यार का इजहार किया तो फिर मैं भी कह दूंगी कि अंगद आई लव यू टू, आई डू। कहाँ गई? I'm sorry again. I'm back. All okay, na? Flirting. Sinu, मेरे आँख में कुछ चला गया। यहाँ उस साइड में। दिखाओ। एक सेकंड और। एक और प्लीज, एक और। बल्ली, I thought it was a gang war. बच्चे, let's give them some privacy. By the way. मेरा दामाद तो हो गया पूरा इमरान हाशमी, हाशमी, हाशमी। Come on, let's go, let's go. अली, come on. Thank you, Sinu. All okay, Sinu? Never been better. कर सांस तो ले लेने दे आयशा बेबी को। सीनू, अरे चुम्मा लेके ही जान ले लेगा क्या जालिम। बल्ली, what are you doing? एक पोपट की दो दो मैना, कभी आयशा कभी सुनैना। Thank you.
है जब मैं तुझसे मिला वनटाइम का था दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था यू पुराने लवर को सताना तो गलत बात है ओ मेरी जान तेरा यू मुस्कुराना तो गलत बात है जॉनी जॉनी यस पापा टेलिंग लाइज नो पापा ओपन द पैकेट हा 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 जॉनी ने नीमो के अंदर नमक भर दिया जॉनी मेरे बहुत सारे नाजायज धंधे हैं लेकिन एक धंधा है जो मैं अपनी बेटी आयशु के नाम पर चलाता हूँ फिशरीज का वो बिल्कुल जायज है तूने उसमें भी मिलावट भर दी क्यों जय विक्रांत कसम पैदा करने वाले की राजू बन गया जेंटलमैन बली डार्लिंग जॉनी को फिल्मों का बहुत शौक है तो आज से जॉनी जॉनी नहीं जॉनी गद्दार के नाम से बुलाया जाएगा विक्रांत भाई मैं क्या सोच रहा था अगर इस जॉनी गद्दार को आज सीनो गोली मार दे तो आज ही फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा अरे ब्रिलियंट आइडिया बली डार्लिंग यू आर विकेड ओके सन इन लॉ योर टर्न सर हाँ सर पर ही मारना है नहीं नहीं अब इस घोड़े से तुम इस गधे की बजा दो बजा दो बजा दो तू भगवान के लिए भजन बड़े अच्छे गाता है और लड़कियों के लिए लव सॉन्ग बड़े अच्छे गाता है कभी आयशा के साथ कभी सुनैना के साथ तू गाता बहुत अच्छा है अब देखें बजाता कैसा है चल बजा राजा बाबू दूल्हे राजा जमाई राजा मुझसे दोस्ती करोगे बजा रे बलि बलि भैया सनी लॉ ने गोली चला दी आई कॉल यू लेटर अरे ये तूने क्या किया जॉनी ने बली भैया को मार दिया भाग मिल्खा भाग जॉनी वेलकम बैक बली आई एम सो हैप्पी टू सी यू बली भैया मुझे माफ कर दो मैं आपको उस दिन जॉनी गद्दार से बचा नहीं पाया ना बली भैया प्लीज फॉरगिव मी बली भैया प्लीज फॉरगिव कोई फायदा नहीं बली बोल नहीं सकते क्या बली भैया बोल नहीं सकते उनका ये मतलब है कि बली भैया के मुंह के वॉल्यूम का बटन अब म्यूट पे होगा बट बली सबकी बातें सुन सकता है समझ सकता है नो बली पर बोल नहीं सकता लेकिन इनको बाथरूम जाना होगा तो कैसे पता चलेगा इस घंटी की वजह से जो डॉक्टर ने इनकी व्हीलचेयर पर लगाई है ऑल द बेस्ट बल्ली भैया ऑल द बेस्ट लगता है बाथरूम आ गई मैंने पहचाना मैं ले जाऊंगा इन्हें मैं डोंट वरी सीनू गुड न्यूज ये है कि बल्ली कभी भी ठीक हो सकता है बोल सकता है उठ सकता है अरे ऐसे कैसे उठ सकते हो व्हाट मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे उठ सकते हैं वो मैं मदद करूंगा ना इनकी हां जैसे लड्डू में होता है मेवा जैसे डांस का है प्रभु देवा वैसे मैं करूंगा बल्ली भैया की सेवा क्या बात है क्या बात खुद ही निकल गए बल्ली डार्लिंग 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बदला लेने के लिए मैंने जॉनी को ढूंढ लिया फादर इन लॉ Yeah. Johnny's in the yellow drum. Yellow, yellow. He's a dirty fellow. Dirty fellow? Dadzu! Hey, yeah! What game are you playing? We are playing
ड्रम मारो ड्रम. रेड इज माय फेवरेट कलर. ओके, रेड इज योर फेवरेट कलर, ट्राई इट. सर ये भी चलाती है? चलाती है, देखो. जॉनी इज इन ब्लू. मैसेल प्रसाद, कहाँ घुस गए थे आप? हाथी मेरे साथी. सॉरी, मेरे मॉम डैड. आई नो, मैंने ही तो इनवाइट किया है. तुम दोनों की शादी है ना, रिमेम्बर? यू फॉरगॉट. ही फॉरगॉट. बट नथिंग टू वरी अबाउट. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. उस दिन तो तू बोट से कूदकर बच गया, आज तुझे समधी जी ने बचा लिया. लेकिन समधी जी, जिस दिन मेरी बेटी की डोली उठेगी ना, उस दिन गोली दीवार पर नहीं, इसके सीने पर चलेगी चलेगी चलेगी. Take him out. कभी हाल में ना. मॉम डैड, ये आयशा है, मेरी बेटी. बेटी नमस्ते करो. ओह सॉरी. नमस्ते. नहीं नहीं, इतना नमस्ते नहीं. सिंपल पीपल. ये कैसा घर है भाई? पूजा की थाली के बदले बहू ने बंदूक से हमारा स्वागत किया है. ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं. सुनो, वापस चलते हैं. सुने ना मेरे पेरेंट्स. अब ये कौन है? ये वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ. तो वो कौन थी? वो है जो मुझसे शादी करना चाहती है. भैया जी, सस्पेंड होने के बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल. आराम ही आ रहा हूँ. भैया जी. क्या है भाभी? Why do you always lose, baby? That's cheating. प्यार में हार जाना मोहब्बत की निशानी है मेरी जान. कौन है? उठ गया वो एक कोगी वाला. चलो चलो चलो. बली क्या हुआ? बली टेक मी देयर. हाय. सुनैना सुनैना, कहाँ हो? अंकित, तुम मेरे कमरे में? And that too so late. नहीं. आशा बेटी, are you okay? क्या भाई? Don't worry. Just go. I'll take care of it. Go. आशा, open the door. Move. Dad. कोई मेंशन में घुस गया है. I have to find him and shoot him. Anybody here? Dad. Nobody there. What's going on? क्या हुआ? बल्ली घंटी बजाकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई घर में घुस आया है. Anybody in your bedroom? Father-in-law, मेरे होते थोड़ी ना कोई आयशा के रूम में. अरे किसकी मजाल हो सकती है जो मेरे होने वाली बीवी के रूम में आए. हाँ, कौन है? मैं देखूंगा कौन हो सकता है इधर. हाँ, कौन है? कौन? Nobody is there. अंदर तो कोई नहीं है. कोई नहीं है. कोई नहीं है. कोई नहीं है. इधर भी देख लेता हूँ. Nobody is there, बल्ली. मैं इस कबर्ड में देखता हूँ. बोलू विक्रांत को? यहाँ पे कोई नहीं है और अंगद तो बिल्कुल नहीं है. I need a drink now, Bali. Follow me. Yes, yes, why not? Not with you. Okay. अंगद बाथटब में रेडी है. Sinu. आज वो तुम्हें अपनी दिल की बात जरूर बताएगा. और सुनो, नहीं बोला ना तोड़ा देना. हट क्या? हट क्या? चलो 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 चलो. अरे चलो चलो. सब चले गए. तुम अब बाहर आ सकते हो. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैं चलता हूँ. आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. थैंक यू.
ओके अंगद सीनू हाँ? हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हैं और पता है अंगद ने कल रात को मुझसे क्या कहा क्या कहा थैंक यू मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है अरे तो हो गया ना प्यार तुम जाके अपने डैड से कह तुम्हें कैटरीना अच्छी लगती है माशाल्लाह तुम्हें विद्या अच्छी लगती है उलाला तुम्हें सचिन अच्छा लगता है अहिला ऑफ कोर्स तुम्हें ये सब अच्छे लगते हैं हाँ लेकिन सीनू क्या तुम्हें इनमें से किसी से प्यार है नहीं ना वैसे ही अंगित को मैं पसंद हूँ बट ही डजंट लव मी बट आयशा जब तक वो मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू नहीं कहता मैं डैड को उसके बारे में नहीं बता सकती आयशा आयशा माय डियर फ्रेंड्स I'm standing here to raise a toast for my son-in-law. अब इस बुड्ढे को क्या बोलना है? लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग उसके बारे में अच्छी बातें कहें और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने समधी जी से क्योंकि ये उनकी मेहनत का नतीजा है नतीजा है नतीजा है क्या आ रहा है 25 साल पहले ना आईपॉड था ना आईपिल्स और सीनू पैदा हो गया अच्छा? क्यों पैदा हो गया मुझे आज पता चला ताकि वो मेरा बेटा नहीं सिंगाल साहब का सन इन लॉ कहला सके यू नो सीनू हैज मेड मी रियलाइज हु माय ट्रू लव इज ओहो तेरे बारे में बात कर रही है सीनू ने मुझे भी एहसास दिलाया है कि मेरा सच्चा प्यार कौन है ये भी मेरे बारे में ही बात कर रही है एंड अ फाइनल टोस्ट फॉर द सन इन लॉ ऑफ सिंघाल फैमिली चीयर्स मैं भी कुछ कहना चाहता हूं व्हाट अरे बली बोल सकता है मेरा बली बोलो बली भैया बोलो बली बोल सकता है सन इन लॉ बली बोल सकता है बोलो जैसे हर डबल क्रॉस धोखा होता है जैसे हर बाउंड्री चौका होता है वैसे ही मुंह खोलने का भी सही मौका होता है व्हाट वर्ड्स व्हाट इमोशंस टाइम फॉर डबल सेलिब्रेशंस बली बोल सकता है बी फॉर बली बी फॉर बबली लेट्स हैव सम शैंपेन प्लीज जाग उठा इंसान जाग उठा इंसान जाने भी तो यारो डैड डैड इट्स अ पार्टी प्लीज डैड जॉनी तेरी किस्मत का फैसला आज बल्ली की आवाज करेगी इट्स अ पार्टी इट्स अ पार्टी लेट्स पॉप सम शैंपेन बली बोल बली व्हाट इज दिस बली वर्ड नो विसल्स नो नो आई डोंट लाइक दिस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गया हूं बली बोल बली शूट योर माउथ और आई विल रियली शूट यू बली कांट स्पीक बली यू डम मैन क्या बली भैया कभी घंटी कभी सीटी अब सबको सिर्फ 2 पल की खुशी देख के अपने फिर से म्यूट का बटन दबा दिया वाए, वाए। आपको अपनी बहन की याद आ रही है ये लो जी पीटर जब लड़की पकड़ से निकल जाए ना तो इंसान अक्सर ऐसे सर पकड़ के लेटता है अब मैं तेरी आंखों के सामने सुनैना के साथ फेरे लगाऊंगा पीटर
क्या तूने सुनैना को आई लव यू बोला? नहीं नहीं। क्या उसने तुझको आई लव यू बोला? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे भाई मैं बोलता हूँ, पहले तू उसको जाके आई लव यू बोल, फिर बात करेंगे। ओके सी यू लेटर। मैं सुनैना को आज आई लव यू बोलूंगा। आपसे नहीं हो पाएगा भाई। तू किसकी तरफ है? मैं आपकी तरफ हूँ भाई। सुनैना सुनैना मैं यहाँ हूँ। मैं भी यहाँ हूँ। सुनैना आप तो जानती हो कि मैं रोमांस में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन आज मैं आपसे ऐसी आज मैं आपसे ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही है। क्या? अबे यार मेरी है या नहीं? हाय फाइनली मेरी वाली। सुनैना 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 छोड़ो ना यार सुनैना। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आई लव यू। और अगर तुमको मुझसे कुछ कहना है तो मैं अंदर इंतजार कर रहा हूं। अंगद अब तो एक ही बात कहनी है, आई लव यू टू। आई लव यू टू। अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। हाय इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। बेचैन सा होता जाऊं पर मैं ये समझ ना पाऊं, मैं जागू मेरे कैसे सो जाती शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। 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 मैं जागू मेरे बिंतु कैसे सो जाती टड़ा शनिवार राती हमें नींद नींद नींद। 11 बजे से 12 बजे हैं सब सो गए मेरे नैना तेरे बिन है खुले। शनिवार राती मानो नींद नहीं आती। टोटल 16 तारे मैंने गिन गिन है डाले। मैं तो जागता हूँ रहता जाने कैसे तू सो जाती। शनिवार राती मानो नींद नहीं आती। जाती हाँ जाती और जाती और जाती ओए ओए।
शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। शनिवार राती मैनु नींद नहीं आती। सीनू सीनू बेटे, यू नो जब भी किसी घर में एक बेटी पैदा होती है ना, तो बाप उस लड़के से नफरत करता है जो उसकी प्रिंसेस को चुरा कर ले जाए। लेकिन मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बेटी को तुझ जैसा लड़का चुरा कर ले जाने वाला है। सन इन लॉ, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम आयशा को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे, and I like that. धन्य वो बाप जिसकी तोप से तुम निकले हो, निकले हो, निकले हो। No, 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 no. Yes. I love you. I love you, son-in-law. You are the best. You are the best. Father-in-law, father-in-law. इन 10 दिनों में मुझे आपसे जितना प्यार मिला है ना, उतना 25 सालों में मुझे खुद के माँ-बाप से भी नहीं मिला। देख रही हो? कितने मजे से अपने माँ बाप की माँ बहन कर रहा है। लेकिन आयशा से भी पूछना जरूरी है ना कि उसके दिल में घंटी किसके लिए बजती है। अरे उसमें पूछने वाली क्या बात है, तुमने तो हम सबके दिल में घंटी बजाई है। That's true. Dad, wait. There she is. आज मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। Love at first sight हमेशा right नहीं होता। Thank God मुझे ये 10 दिन मिले। Because now I know who my true love really is. Yeah. I love Sinu. And I am so lucky ki meri shaadi usi se ho rahi hai. बचपन से लेकर आज तक यू बीन माय फ्रेंड, कभी कृष्णा बनकर, कभी क्राइस्ट बनकर, या कभी गणेश बनकर, अलग अलग रूप में आपने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था ना, तो आपने मुझे ब्लेसिंग दी थी, लेकिन आज आज मैं उस प्यार को खोने जा रहा हूं। आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप मेरी मदद ही नहीं करना चाहते। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पर हमेशा सीनू ये कर, सीनू वो कर। आज तेरी मदद कोई नहीं करने वाला, तेरा भगवान भी नहीं। आयशा की दिल में मेरे लिए घंटी तो बजा दी तूने, लेकिन बेटा तेरी शादी में ना शहनाई हम बजाने वाले हैं। अब भाई तेरी मेहरबानी से आयशा मेरे प्यार में दीवानी हो गई, और उसी का फायदा उठाकर मैंने भी उससे कहा कि मैं उससे प्यार करता। उसके बाद वो बेचारी हर वो चीज बोलने को तैयार हो गई जो मैं बुलवाना चाहता था।
विक्रांत भाई के सामने उसने तेरा नाम मेरे कहने पे लिया है। नॉक नॉक। नहीं, खैर छोड़ो, जो खुद नॉकआउट हो चुका है उसके साथ क्या नॉक नॉक है। Come in. शादी के बाद भी हमारे कमरे में नॉक करके आओगे क्या? मेरा बस चले तो हम लोग कमरे के बाहर ही नहीं जाएंगे, हर रात सुहागरात होगी। लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले नेपाल जाना पड़ता है, सुहागरात तो दूर। तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया। चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ऑफ कोर्स अंगू, भगवान ने ये लिप्स सिर्फ लिपस्टिक के लिए थोड़ी बनाए हैं। पीटर जी, मानना पड़ेगा यार। क्या क्या हो गया? तेरे बॉस ने ना मुझे हरा दिया यार। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। चल चल जाके उसे बधाई देते। आपका दिल बहुत बड़ा है सीनू भाई। थैंक्स डूड, यू आर सो सपोर्टिंग। मैंने आज तक किसी लड़की को किसी करना तो दूर छुआ भी नहीं है, तो आज छू भी लो और किसी भी कर दो। कम ऑन अंगू, लाइट्स भी ऑफ हो गई। डोंट वेस्ट टाइम नाउ। हां गुड आइडिया। ओ पीटर, अरे अंगद, तूने पीटर का चुम्मा ले लिया। अंगू, किसी से कहना मत। क्या कभी गोली मारते हो, कभी चुम्मा लेते हो? ये रिलेशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सुनैना को किस करने वाला था, तू बीच में कहां आ गया? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है सुनैना तेरे और पीटर के बीच में आ गई। नहीं नहीं, सुनैना मैं तुम्हें ही किस करने वाला था। मेरा शिद्दत वाला प्यार है यार, पता नहीं कहां से आया यार। नर्वस हो गया था मैं यार, किसी को किस नहीं किया यार। बस इतनी सी बात। डोंट वरी अंगू, मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि किसी का चुम्मा लेना ना एक आर्ट है, कला है। हाँ, तो मुझे एक कला सीखनी है। ओके, तो पहले खूबसूरत लड़की का खूबसूरत हाथ पकड़ो। मी? ठीक है। टीचर कौन है? आप। करेक्ट पीटर। पहले खूबसूरत लड़की का खूबसूरत हाथ पकड़ो, उसे घुमाओ, उसे करीब खींचो। हाँ ठीक है। उसे गिराओ। समझ गया। फिर और I can't believe this. क्या सीनू ने चुम्मा लिया भाभी का? अंगद भाई कुछ सीखो। एक बार और, एक बार। तेरी तो। मुझे इस गोरे गुरिल्ला से बचाओ। यू एनिमल, मेरे सन इन लॉ को क्यों ट्रबल कर रही हो? सासू माँ, अंगद ने पीटर को किस किया? हाँ? और अभी मुझ पे भड़क रहे हैं। इज इट माई फॉल्ट कि इनकी चोरी पकड़ी गई? मुझे इन दोनों पे हमेशा डाउट था, स्पेशली ये छोटा वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा। सीनू ने अंगद जी से बोला कि अपनी होने वाली वाइफ का चुम्मा लेना एक आर्ट है, एक कला है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे भी किस करने का आर्ट सीखना है। कहा था, कहा, हाँ। कहा था। तो क्या सिखाया तुमने सीनू? तो मैंने अपने कला का प्रदर्शन हाँ? किया ना। वो कैसे? वो ऐसे, मैंने सुनैना का खूबसूरत हाथ पकड़ा, उसे घुमाया, उसे करीब खींचा, उसे गिराया। पीटर फिर क्या किया था? सीधा चुम्मा लिया। हाँ, तड़ा, ये तो चुम्मे का सिक्वल बन गया, क्रिस 2 के बाद किस 2। वापस करके दिखाओ। और आल शूट। अरे अरे अरे, सीनू क्या हो रहा है? ये सांड की तरह तेरे पीछे क्यों पड़ा? अरे कुछ नहीं डैड, मैंने इसे कहा
कि अपने होने वाली बीवी का चुम्मा लेना एक आर्ट है, कला है। करा है, सही बोला। तो तूने क्या बोला भाई? मैंने कहा मुझे आर्ट सीखना है, मुझे नहीं आता। हाँ, अंगद भाई ने कहा था मुझे सीखना है। हाँ तो सिखा देगा सीनू। कम कम सीनू। ये वही आर्ट है ना जो मैंने तुझे सिखाई थी। हाँ डैड, ये वही आर्ट है जो मम्मी के मार्केट जाने के बाद अब शर्मिला आंटी को सिखाते थे। ओए, चुप कर, अरे बकवास कर रहा है ये। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये आर्ट तो तुमने मुझे सिखाई है। नौटी, नौटी। पहले खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ो, फिर उसे घुमाओ, फिर अपने करीब लाओ और फिर गिराओ और फिर किस स्त्री के बाद किस स्त्री। शट अप फिल्टर। बल्ली भैया मुझे इसे बचाओ। बल्ली भैया, बल्ली भैया, इस साले कमीने ने मेरे होने वाली बीवी को 3 बार किस किया। मैंने किस किया? हाँ किया। तुझे मैं आपको देखना है। अबे घंटी बजाना बंद कर, जितना सीखना था सीख लिया, सिखा भी सकता हूँ। खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ो, उसे यूं घुमाओ, फिर करीब लाओ और गिराओ। एक मिनट रुको ना, वो क्या है ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप अपनी आंखें बंद कर लो ना प्लीज। हाँ। शादी के एक दिन पहले इस कुत्ते ने मेरी बीवी का चुम्मा ले लिया। किसका? किसका? केले। I will break the shoot him. I'll kill you. Come here. ये जानते हुए कि मेरी बेटी से शादी करने वाली है, तुम्हारी ये जलील हरकत करने की जुर्रत कैसे हुई? Dad, I love him. What? Me? You saw that? वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, वो करप्ट है, राउडी है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। Oh God! Dad, आप अंगद की बात कर रहे हैं या खुद की? क्योंकि ये सारी चीजें तो आप ही है ना डैड। कहते हैं कि हर लड़की अपने होने वाले पति में अपने डैड को ढूंढती है, इसलिए मैंने अंगद को चुना है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब मैं सीनू को कैसे समझाऊंगा, समझाऊंगा, समझाऊंगा। शट अप सनिलो, सनिलो, नहीं नहीं, सनिलो। नमस्ते जी। सनिलो बुला रहे हैं, वहां चलते हैं, खोपचे में, खोपचे में, खोपचे में। पढ़वाई खोपचा। लगता है बात बन जाएगी। वो जो नाइंसाफी मैंने सुनैना के साथ की थी ना, वही भगवान मेरे साथ करने लगा है। लेकिन हुआ क्या? वो अंगद से प्यार करने लगी है और उसी से शादी करना चाहती है। नहीं, नहीं। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा सर। मुझसे शादी करेगा कौन? जब ऊटी के गलियों से मेरे माँ बाप गुजरेंगे तो लोग कहेंगे वो देखो बिन भाई बेटी के माँ बाप जा रहे हैं। ओवरएक्टिंग कर रहा है। आप तो शादी करके रंडवा बन गए, मैं तो बिना शादी के रंडवा बन गया। रंडवा, रंडवा, रंडवा। डैड, डैड, डैड। इसका बस चले तो पूरी दुनिया को रंडवा बना दे। अगर मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, हाथ में, हाथ में। ठीक है सर, ठीक है। आपकी खातिर तो मैंने अपनी मोहब्बत अपनी सुनैना को भी ठुकरा दिया था सर, तो दोबारा आपकी खुशी के लिए ना सर, आयशा को आजाद करता हूं। मेरा हाथ तो छोड़िए सर। बल्ले, बल्ले, बल्ले। आप तो शिद्दत वाला प्यार करके घर जमाई बन के बैठ गए। जरा विक्रांत भाई को बोलिए ना मुझे भी दहेज में ले ले।
तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। बस सीनू 10 दिनों से क्या उल्लू बनाया है तूने विक्रांत को, उसे पता भी नहीं चला कि तू बैंकॉक आया ही था मुझे यहाँ से ले जाने। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। ओह रियली? आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुझसे बड़ा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। से थैंक यू। थैंक यू सीनू। ख्याल रखना इसका। अच्छा, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर। हाँ हाँ, ये दोनों तो पोते पोतियां पैदा कर कर सिंगाल परिवार का नाम और भी बड़ा कर देंगे ना सर। लेकिन मेरे घर पे रोटी कौन पकाएगा सर? सीनू बेटा, एक शादी बचाने के लिए 1000 झूठ बोलना गलत नहीं होता। अब देखना एक झूठ बोलकर मैं कैसे तेरे घर में रोटियां पकवाता हूँ, पकवाता हूँ, पकवाता हूँ, पकवाता हूँ। सुने ना, सीनू एक अच्छा लड़का है। प्लीज, नहीं चाहिए मुझे ऐसा लड़का। आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक बार पहले मुझे छोड़ चुका है, कल आपसे कोई और उम्मीद मिलेगा तो मुझे फिर से छोड़। अरे सुनैना बेटा, तुम गलत हो। सीनू हीरा है, हीरा। उसने 10 दिन मेरी बेटी को जानने के लिए नहीं बल्कि अंगद और आयशा को मिलाने के लिए लिए थे, है ना सनी लॉ? ऐसा ही कुछ था ना? एग्जैक्टली सर। गुड, रियली? तो फिर ठीक है, मैं सीनू की होने के लिए तैयार। गुड 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 गुड। What a lucky man I am. आज मुझे दो दो बेटियां नहीं, मुझे दो दो दामाद भी मिल गए। What do you say, Balli? जैसे इंग्लिश में सबूत को प्रूफ कहते हैं, घर की छत को रूफ कहते हैं, वैसे ही हर लैंग्वेज में आप जैसों को बेवकूफ कहते हैं। पलट। एक्शन। ये तेरा हीरो इधर है। सॉरी सॉरी, लगी क्या? नहीं ना। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। तुझे क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। गलत, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। कहता है क्यों मुझसे जमाना, अरे हाँ नहीं आसान है तुझको पाना। तेरे नखरे उठाऊं सनम, मुझको तेरी कसम, टांग दू चांद को तेरी खिड़की पे, मैं टांग दू जान को तेरी कुर्ती में मैं, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलटना, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है।